बड़े भारी मंच से पश्चिम दिल्ली की बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत को बधाई देते प्रवेश वर्मा का राजनीतिक ग्राफ भले नीचे चला गया, लेकिन मायूस चेहरे के साथ ये कहने को मजबूर है कि मोदी जी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनेगी और देश का ग्राफ ऊपर जाएगा। प्रवेश वर्मा के साथ कितना बड़ा खेल हुआ है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बाकायदा तेजेंद्र बग्गा जैसे सोशल मीडिया योद्धा प्रचार करने लगे थे कि पश्चिम दिल्ली की यही पुकार, प्रवेश साहिब सिंह तीसरी बार। ऐसे पोस्ट दिखाते हैं कि प्रवेश वर्मा और उनके समर्थकों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा का टिकट भी साहब यानी मोदी जी और बीजेपी आलाकमान काट सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में प्रवेश वर्मा और उनके समर्थकों ने प्रचार शुरू कर दिया था। थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल को अपने सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे थे और अब खुद का ही टिकट कट गया। टिकट कटा तो भारी फजीहत हो गई और तेजेंद्र बग्गा जैसे लोग पोस्ट डिलीट करने लगे तो पब्लिक ने मजे लेते हुए कहा, तोड़ दी चेन चुरा लिया मग्गा, प्रवेश का टिकट कटते ही ट्वीट डिलीट कर गए बग्गा। संसद में धर्म के नाम पर गालियां देने वाले और बाहर देखने की धमकी देने वाले रमेश विदुड़ी को भी बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो उनके लिए बड़ा झटका है क्योंकि रमेश विदुड़ी जैसे सांसदों ने इस बात को गारंटी मान लिया था कि भाषा का स्तर कितना भी गिर जाए लेकिन हमारा टिकट कोई नहीं काट सकता। भारत माता की, दिस वुमन इज स्टिल स्टैंडिंग लाइक दिस, आई थिंक यू कैन लीव द हाउस। भारत माता की जय जोर से ना बोलने पर लोगों को फटकार लगाने वाली मीनाक्षी लेखी का भी टिकट कट गया है और अब पब्लिक मजे ले रही है कि मंत्री मैडम को अब पत्रकारों के सवालों के सामने यूसैन बोल्ट की तरह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर सांसद और मंत्री नहीं बनेगी तो सवाल कौन पूछेगा। वही गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा जैसे सांसदों का टिकट कटा तो पार्टी से रिक्वेस्ट करते दिखाई दिए कि अब हमें क्रिकेट पर ध्यान देना है, पर्यावरण पर काम करना है तो राजनीतिक ड्यूटी से मुक्त कीजिए। आप बयान बहादुर बीजेपी नेताओं के टिकट कटने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।